कॉम्बिनेशन है इसमें नेक जो इसका वी शेप में नेक है, अनारकली स्टाइल में है, इसका इतने का ही पड़ा है। और ये इसका जो कपड़ा है वो शिफॉन में है, आप देख सकते हैं। तो अभी सूट हमने दिखा दिया है, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ रील्स की। आप ये अच्छा लगा सबसे ज्यादा? एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये है मेरा आज 2024 का पहला व्लॉग। तो आई होप कि जैसे आप लोगों ने मुझे 2023 में प्यार दिया, वैसे ही 2024 में भी उतना ही प्यार देंगे, उससे ज़्यादा प्यार देंगे। बाकी जो मैंने पिछला व्लॉग अपलोड किया था वो था मेरा अमेज़ॉन से जो मैंने कुछ बैग ऑर्डर किए थे उसके ऊपर बनाया था, जिसको आप सब ने काफ़ी प्यार दिया। और उसमें मतलब मोस्ट कॉमन कमेंट ये था कि आप अपने सूट की कलेक्शन भी दिखाइए और अपने सूट के बारे में भी एक ब्लॉग बनाइए। तो आज मैं बना रही हूँ सूट के ऊपर। तो मैं ज़्यादातर जो शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन मिंत्रा से ही लेती हूँ सूट, क्योंकि मुझे वहाँ की क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कुछ मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं मिंत्रा से कुछ सूट मंगवाए हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी उसमें से कुछ तो मैंने ओपन करके देखे और कुछ ओपन नहीं किया, तो आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी। तो देखते हैं कैसा इसका मटेरियल जो है, व्यू मटेरियल क्या कौन सा यूज़ किया है, बाकी इसका प्राइस क्या है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। जो पहला सूट है वो है ये ब्लू कलर में। और ये है कुर्ता ट्राउज़र और इसके साथ है दुपट्टा। ये तो ये जो सूट सेट है वो है अनारकली स्टाइल में, आप देख सकते हैं। और इसका जो कपड़ा है वो है रेयॉन और इसके क्वार्टर स्लीव्स है। और जो इसका नेक है ये है वी शेप में और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये इसके ऊपर जो गोटा पट्टी बनी हुई है इस वजह से इसका लुक ही अलग हो रहा है, अलग चेंज ही आ रहा है इस पर। आप देख सकते हैं कि आजकल ये बहुत ट्रेंड में चला है जो इसका हैवी बाजू है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और आपको मैं ये पहन के दिखाऊंगी और जितना भी जो कुर्ता सेट मैं आपको दिखाऊंगी उसको साइड में मेंशन कर दूंगी प्राइस कितना है, और साथ में इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी पहन के कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। और मुझे ये पसंद आया काफ़ी, इसकी जो क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है। वैसे इसका ओरिजिनल जो प्राइस है वो है 5649 का, पर मुझे ये पड़ा है 1468 रुपीज़ को, जितने का ही पड़ा है 1468 रुपीज़ में। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इसका जो ट्राउज़र है उसमें भी आप देख सकते हैं, तो अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ इजीली कैरी कर सकते। और इसके जो ये बाजू में लगा हुआ है गोटा पट्टी और इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। और ये दुपट्टा इसका, इसमें बस साइड में पतली सी लेस लगी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सूट है। और इसको मैं रखूँगी और जो भी मुझे अगर अच्छा नहीं लगा कुर्ता सेट तो मैं उसको रिटर्न कर दूँगी, बाकी जो मुझे अच्छा लगा वो मैं रख लूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो जो नेक्स्ट है वो है ये वाला जो सूट सेट था वो मैंने आपको पहन के दिखाया था अपने पिछले जो मैंने बैग का ब्लॉग बनाया था तब मैंने आपको दिखाया था पहन के। और इस वाले जो सूट को सब ने बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था सबको, काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली कमेंट भी किया कि कहाँ से आपने परचेज़ किया, इसका लिंक शेयर करो और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये है इसका जो कलर है वो है पिंक कलर में। जो सूट है ये था 5499 का था, पर मुझे जो पड़ा है ये 1500 कुछ का पड़ा हुआ है, 1500 शायद 49 कुछ इतने का पड़ा हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ये है पिंक कलर में और इसका नेक है कुछ इस तरीके का और ये क्वार्टर स्लीव है और ये कॉटन यूज़ किया है, ये कॉटन का है। और इसका जो दुपट्टा है वो ऑर्गेन्जा है और इसका ट्राउज़र भी कॉटन का ही है। और बस इसमें ये जो ट्राउज़र है इसके बॉटम में ऐसा कुछ डिज़ाइन बना हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, पहन के भी कुछ ज़्यादा ही खेल रहा था। ये मंगवाया था मैंने सेकंड अपना सूट का सेट।
का फिर नेक्स्ट कुर्ता है, मैंने ओपन नहीं किया था अभी आपके सामने ही, आप लोगों के सामने ही ओपन करूंगी। और ये मैंने मंगवाया है रेगुलर पहनने के लिए, कोई फंक्शन या कुछ ऐसे उसके लिए स्पेशल ओकेजन के लिए नहीं, रेगुलर मैं पहन सकूं उसके लिए मंगाया था। और जो भी मैं साइज मंगाती हूँ, मेरा साइज जो रहता है वो है लार्ज साइज पर्पल कलर में। तो इसका एक्चुअल जो प्राइस था वो आई थिंक 3000 के अराउंड कुछ था, और ये मुझे पड़ा है 807 रुपीज में। और ये रेगुलर वेयर करने के लिए बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये कपड़ा जो है ये कॉटन का है, कॉटन यूज किया गया है। और इसमें देख सकते हैं आप पतली सी ये लाइन लेस लगा हुआ है, और ये इसका जो बाजू है क्वार्टर स्लीव्स है, और इसके बाजू में भी ये छोटा सा डिजाइन, मतलब थोड़ा सा डिजाइन बनाया जिस वजह से ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसका जो मटेरियल यूज किया है बहुत ही ज्यादा अच्छा यूज किया गया है। और इसका ये रहा ट्राउजर, और ट्राउजर में बॉटम में इसके ट्राउजर में भी ये थोड़ा सा डिजाइन लगाया गया है लाइन लगा के, और ये लेस जैसा कुछ लगा के, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसको मैं रखूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड में चला है कलर सूट में वो है पर्पल कलर, और पर्पल कलर आजकल काफी चला है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। और ये है इसका दुपट्टा, और ये सारा है कॉटन में, सिंपल बहुत ही ज्यादा सुंदर। और ये वाला जो सूट जो है मुझे बहुत ज्यादा पसंद रखा, तो ये मैं रखूंगी, रिटर्न नहीं करूंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसका जो स्टाइल है वो अनारकली स्टाइल में, फ्लोर ये देख सकते हैं, इसमें भी ये लेस लगा है, क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है जो जिसमें ये लेस लगाओ, तो ये है अनारकली स्टाइल में। और इसका जो कपड़ा यूज किया है ये कॉटन में यूज किया है, कॉटन है ये, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये, अच्छा है। और इसका जो दुपट्टा है वो है ये, दुपट्टा थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कैसा लग रहा साइड में। और इसके साथ है इसका जो प्लाजो है, ट्राउजर जो है इसका वो है वाइट कलर में, सूट का जो सेट है वो है ये वाला, पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है इसमें, नेक जो है इसका वी शेप में नेक है, अनारकली स्टाइल में है। इसका जो स्लीव्स है वो भी थ्री क्वार्टर स्लीव्स है इसका, और इसके साथ है एक दुपट्टा, और इसमें ट्राउजर नहीं है, दुपट्टा और यही है, आप किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं इसको, आप इसके साथ व्हाइट कलर का भी ट्राउजर यूज कर सकते हैं, या कोई और कलर का, ग्रीन कलर भी, पिंक कलर, कोई भी ट्राउजर यूज कर सकते हैं। और ये जो है ये प्योर कॉटन है, ये वाला जो कपड़ा है वो प्योर कॉटन में है, और मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसको मुझे पहन के ही देखना पड़ेगा ये कैसा लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो ये मंगवाए थे मैंने कुछ कुर्ता सेट, उसके अलावा मैंने कुछ कुर्ते भी मंगवाए जो मुझे अच्छे लगे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। और तो इसका जो कलर है ये है मस्टर्ड येलो कलर में, और ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इसका जो ओरिजिनल प्राइस था आई थिंक 2500 था, पर मुझे ये पड़ा है 961 कुछ इतने का ही पड़ा है। और ये इसका जो कपड़ा है वो शिफॉन में है, आप देख सकते हैं, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये। और इसके अलावा जो मैंने एक कुर्ता सेट जो मंगाया वो है, जो मैंने पहना हुआ है ये वाला कुर्ता सेट है, और इसका जो प्राइस है आई थिंक 1500 के अराउंड था, ये वैसे था 3500 कुछ के था, पर मुझे पड़ा ये शायद 1500 का। और इसका जो है क्वार्टर स्लीव्स है, और इसमें यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी थोड़ा सा बना हुआ है, और ये फ्लोर प्रिंट का है, अनारकली स्टाइल में है, और इसका नेक है राउंड में। और ये वाला जो मैंने पहना है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने पहन लिया। एक और कुर्ता मैंने मंगवाया था वो था ये, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, अच्छा भी नहीं है बिल्कुल भी, कुछ पोछा जैसा लग रहा है। तो अभी सूट हमने दिखा दिया है, तो अभी मैं बनाने लगी रील्स। कैसे
कौन सा सुंदर बताओ तो सबसे सुंदर कौन सा लगा सबसे सुंदर कौन सा कौन सा लगा मासी के ऊपर कौन सा ये अच्छा नहीं है मासी के ऊपर देखो नहीं ना रहे नहीं अच्छा सच्ची बोलो सच्ची ये अच्छा लगा सबसे तो जो मैंने डिस्कार्ड किया है वो वाला ये वाला कुर्ता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बट जब मैंने देखा था तो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है पर सामने आके बिल्कुल अच्छा नहीं है बाकी ये जितने भी है ये मैं रखूंगी बाकी ये रिजेक्ट है और इसी के साथ जो आज का व्लॉग है हम यहीं पे एंड करते हैं आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा फिर मिलती हूँ जल्द ही एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर